हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिर से द ब्यूरोक्रेसी में ज्योग्राफी के लेक्चर में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे अभी तक, तो आज छोटा सा एक जिक्र रॉक सिस्टम का भी कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो बताइए, रॉक क्या होती है, चट्टान किसे कहते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन है, पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं कि रॉक क्या चीज़ है। दोज मटीरियल्स विच फॉर्म्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वेदर हार्ड लाइक ग्रेनाइट और सॉफ्ट लाइक क्ले, ग्रेवल और सैंडस्टोन, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड रॉक्स। तो जो अर्थ को जो सॉलिड स्ट्रक्चर प्रदान करता है कोई कोई कंपोनेंट, उसको कहते हैं क्या? रॉक कहते हैं। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंपोजिशन, अगर हम उसके कंपोजिशन की बात करें तो हमको पता चलता है कि ऐसी चार प्रकार की चट्टाने हैं। ठीक है, रॉक्स कितने टाइप की हैं? चार प्रकार की है। तो सबसे पहले जो बेसिक, या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी रॉक है, उसको हम कहते हैं इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान कहते हैं इसको हिंदी में। फिर आती है सेडिमेंट्री। ठीक है, काफी चीजें तो शब्दों से ही समझ में आ जाती है, सेडिमेंट से बनी हुई कोई रॉक सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। इसी प्रकार तीसरी रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक यानी कि कायांत्रित चट्टान, मेटामॉर्फिक। और चौथी कैटेगरी आती है ऑर्गेनिक रॉक की, यानी कि जैविक चट्टान। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे पहले बनी। कहाँ बनी? अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट में कहाँ? काफी गहराई में। क्यों गहराई में? क्योंकि ये बनती किससे है? मैग्मा के जमने से। तो मैग्मा कहाँ स्थित है? काफी गहराई पर है। ठीक, तो ये इस प्रकार से क्या बन जाती है? एक प्राइमरी रॉक बन जाती है। ठीक, तो थोड़ा सा डिस्कशन हम इसी के बारे में करते हैं, इग्नियस रॉक के बारे में। तो इग्नियस रॉक्स आर प्राइमरी रॉक विच फॉर्म्ड ऑन द क्रस्ट क्वाइट डीप। इग्नियस रॉक का सोर्स क्या है? इग्नियस रॉक का सोर्स है मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा यानी कि पिघला हुआ मैग्मा। ठीक, जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में है। ये जब सरफेस पे आएगा तो इसका टेम्परेचर घटेगा और ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, अर्थात इसका हो जाएगा क्या? सॉलिडिफिकेशन। ठीक, लेकिन हर मैग्मा में जो कंपोनेंट होता है वो एक जैसा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कुछ मैग्मा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और कुछ मैग्मा में मिनरल्स की मात्रा अधिक होती है। तो क्या इतने से फर्क पड़ जाता है? बहुत फर्क पड़ जाता है। इसको मैं एक चीज और जोड़ लूंगा, इसमें मेटेलिक मिनरल्स कह सकते हैं। सम मैग्मा कंसिस्ट ऑफ या रिच इन सिलिका एंड सम मैग्मा रिच इन मेटेलिक मिनरल्स। दोज मोल्टन मैग्मा विच आर रिच इन सिलिका हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट या हाई टेम्परेचर एंड दे आर नॉट एबल टू रीच टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड गॉट सॉलिडिफाइड विद इन द अर्थ क्रस्ट। इट मीन्स वट? इसकी जो पीएच वैल्यू है ये क्या है? काफी एसिडिक है। इट्स पीएच वैल्यू इज लो, यानी कि क्या है ये? बहुत ज्यादा एसिडिक है, यानी कि ये अंदर जम रही है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रूसिव रॉक यानी कि आंतरिक चट्टाने, आंतरिक आग्नेय चट्टाने, यानी कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। पीएच वैल्यू काफी क्या है इसकी? हाई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कम, इनफैक्ट एसिडिक है, एसिडिक इन नेचर है। अच्छा, दोज मैग्मा विच आर रिच इन मेटेलिक मिनरल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट कैन रीच टू द सर्फेस एंड गॉट सॉलिफाइड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें कि इनमें क्या फर्क हो सकता है, तो दीज रॉक्स आर हाई इन मिनरल्स एंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट है, और लंबे समय तक तो क्या रह सकती है? लिक्विड फॉर्म में रह सकती है एंड हैविंग मोर टाइम टू ट्रेवल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड गॉट सॉलिडिफाइड ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ और नियर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इट मीन्स वट? दीज आर नॉट दैट एसिडिक, दीज आर बेसिक
रॉक्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? बेसाल्ट। सो बेसाल्ट इज एन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? बेसिक रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक काफी हार्ड है, फॉसिल्स इसमें नहीं मिलता। सम जो ये मेटेलिक मिनरल्स वाली चट्टाने हैं, ये एक बहुत ही असेंबल प्रोवाइड करती हैं अर्थ के डेकन वाले पार्ट को, और इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया का जो डेकन प्लेट्यू है वो काफी रिच है। किस मामले में? मेटेलिक मिनरल्स में, चाहे आयरन हो, चाहे बाकी चीजें हो, क्रोमियम हो, माइका हो, दीज आर द सोर्स ऑफ व्हाट? मेटेलिक मिनरल्स। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मिनरल रिसोर्सेस इंडिया के हैं वो अधिकतर कहाँ पर डिपॉजिट हो सके हैं? डेक्कन वाले पार्ट में, क्योंकि सारा जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, जो डेक्कन शील्ड बनी है, वो साउथ वाले पार्ट में ही बन पाई। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग डाउन टू नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, पहले पहले हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक। इसको मैं मिटा देता हूँ। व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक नाम से ही पता चल रहा है। देखिए दिखती कैसी है ये दिखती है ऐसी। दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, देख के ऐसा कुछ मजा नहीं आ रहा इसको, है ना, समझने में ज्यादा अच्छा लगेगा। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स कौन लेकर आता है? रिवर लेके आती है, धीरे धीरे डिपॉजिट करती है, एक के ऊपर एक परत जमाती जाती है और उसका सर्टिफिकेशन होता रहता है। दिस वी हैव लिथिफिकेशन एंड इन दिस वे द रॉक्स आर फॉर्म्ड। सो दीज रॉक्स आर लाइटर देन इग्नियस रॉक। दीज रॉक्स कवर अबाउट 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है उसका 3/4 पार्ट इसी रॉक के द्वारा कवर है। क्यों? क्योंकि इसका वेट उनके मुकाबले क्या है? कम है। ओके, नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे अधिकतर जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार की चट्टाने हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स की चट्टाने हैं। तो क्या कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? बिल्कुल है। वी हैव लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंड स्टोन अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक्स। फाइन, चॉक अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दीज रॉक्स ऑल्सो कंसिस्ट व्हाट? फॉसिल्स। बड़ी ही साधारण सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी साधारण बातें भी बड़ी काम की होती हैं। ठीक है, होता क्या है, साधारण बातों को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि उससे ऊपर का जो लेवल हो वो हमेशा याद रहे, तो एक बेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो मैं अभी आपको ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिखा रहा हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। तो क्या इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में बदलाव आ सकता है? ये इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा। क्या सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक में बदलाव आ सकता है? तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल आ सकता है। बदलाव आने के बाद वो एक नए प्रकार की रॉक बन जाती है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी कि किसी की काया ही पलट गई है, कायांतरण हो गया है किसी का, मेटामॉर्फिक। अब समझने जैसी बात इसमें यह है कि अगर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों एक्सेसिव हीट, या कह सकते हैं टेम्परेचर के प्रभाव में आ जाएं और प्रेशर इसके प्रभाव में आ जाएं, तो हो सकता है इसमें चेंज आ जाए, और ऐसा होता है। एक्सेसिव प्रेशर और टेम्परेचर अगर अपना असर डालना शुरू कर दे इन दोनों चट्टानों में, तो इन दोनों चट्टानों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने चने भिगा के रखे भगोने में और सुबह बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है। मिलियन ऑफ ईयर्स का मामला है ये, लेकिन लंबे समय तक कोई फोर्स काम कर रहा है। लंबे समय से मैग्मा किसी के कॉन्टैक्ट में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक के कॉन्टैक्ट में आ गया, तो हम उसको कह सकते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, पिघला हुआ मैग्मा अगर किसी चट्टान पे आके इम्पैक्ट डाल दे तो वो तो जल जाएगी चट्टान, तो उसमें जो बदलाव आएगा उस नई प्रकार की चट्टान को हम क्या कह सकते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। तो
तो इस चीज को क्या कहेंगे, मेटा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। इसको हम समझ लेंगे चलिए आगे चल के डिटेल में कि क्या चीज है। अब ये सारा जो रॉक सिस्टम है सेडिमेंट्री वाला, इसमें नदियों की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। नदियां सेडिमेंट्स इकट्ठा करती हैं, जैसा कि नदियां बहा करती थी हिमालय बनने से पहले, 33 सागर में गिरती थी और सेडिमेंट्स वहां पे तैयार थे। वो जो जियो सिंक लाइन तैयार है दो प्लेट के बीच में, वही सेडिमेंट्स रॉक ही तो ऊपर उठे हैं और हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय में हमें या तो सेडिमेंटरी रॉक मिलेंगी या मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक का स्कोप वहां पर नहीं है। कहने का मतलब यहां पर यह है, देयर इज नो इग्नियस रॉक इन द हिमालयन पार्ट। लेकिन अगर उसके बेस में चले जाए हम, बिल्कुल नीचे, जो उसको सॉलिड बेस प्रोवाइड कर रही है, किसको, हिमालय को, वहां पर आपको इग्नियस रॉक मिल सकती है जहां पर वो टिकी हुई है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उससे नीचे, उससे बहुत नीचे जो सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है हिमालय को, वो कोई और नहीं सेडिमेंट्री, सॉरी, इग्नियस रॉक ही है। दैट इज द पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू मेटामॉर्फिक रॉक के, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, वो क्या चीज है। ये रही कुछ चट्टानों के नाम इग्नियस रॉक के, और जब इनमें रूपांतरण होता है तो वो इस प्रकार की बन जाती है। माइका, जो कि ओरिजिनली इग्नियस रॉक है, इसका जब रूपांतरण होगा तो क्या कहलाएगी वो, शिस्ट। ग्रेनाइट ओरिजिनली क्या है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिज्म के थ्रू ये क्या बनेगी, नीस। ये सभी बहुत ही हार्ड रॉक्स हैं। बिटुमिनस कोल, कोल इज सपोज टू बी, ऐसा माना जाता है कि बिटुमिनस कोल एक सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिटुमिनस कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। इट मे टर्न इन टू वट, अनदर फॉर्म ऑफ रॉक, दैट इज एंथ्रासाइट कोल। सो एंथ्रासाइट कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल, हाई क्वालिटी कोल, बट इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, गैब्रो कैन टर्न इन टू वट, सर्पेंटाइन। तो ये सारे जो रॉक सिस्टम, जो रॉक आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसकी इमेज आप लोग अपने मोबाइल्स में देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, तो क्या सेडिमेंटरी रॉक का भी रूपांतरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। लाइमस्टोन कैन टर्न इन टू वट, मार्बल। सैंडस्टोन कैन टर्न इन टू वट, क्वार्टजाइट। शेल टर्न इन टू वट, स्लेट। एंड कोल टर्न इन टू डायमंड्स। गजब की बात है, ये सारी चीजें इसमें अर्थ क्रस्ट के अंदर हो रही है। एक्सेसिव प्रेशर और हीट के संपर्क में आने की वजह से चट्टाने तक बदल जाती हैं, उनका कायांतरण हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम खूब मेहनत करें, जो हम लापरवाही में नहीं करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप का रूपांतरण कर सकते हैं। पर्सनैलिटी का रूपांतरण किया जा सकता है इन सब चीजों से सीख कर। ओके, नाउ द लास्ट फॉर्म ऑफ रॉक इज व्हाट, ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक को हिंदी में कहते हैं जैविक चट्टान, ठीक है ना। ऑर्गेनिक रॉक को हिंदी में क्या कहा जाता है, जैविक चट्टान। इसके दो एग्जाम्पल हैं, दोज रॉक्स विच आर फॉर्म ऑन द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशन, यानी कि ऐसी चट्टाने जो प्लांट और वेजिटेशन के अवशेषों पर निर्मित होती हैं। और दूसरा, दोज रॉक्स विच आर फॉर्म ऑन द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ऑन द रिमेन्स ऑफ एनिमल। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पेट्रा। जैसे कि पेट्रोलियम समझिए, तो पेट्रा इज द नेम ऑफ अ रॉक, और जो लियम निकलता है उसे हम कह सकते हैं क्या, ऑयल। और इसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। कई किताबों में इसको सेडिमेंटरी रॉक के उसमें भी दिया गया है, लेकिन ये भी इसका बिल्कुल प्योर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक रॉक है, क्योंकि दीज रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड वेजिटेशंस। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक रॉक। सो दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द रिमेन्स ऑफ द एनिमल, क्या उसका कोई एग्जाम्पल है हमारे पास? यस, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैरीन इकोसिस्टम, जहां पर एक खास किस्म की कॉलोनी डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं कोरल, यानी कि मूंगा, ठीक है ना। मूंगा, मूंगा इज ऑल्सो वट, रॉक सिस्टम, जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो डेवलप होता है कहां पर, समुद्र के अंदर, एक खास गहराई में और खास लैटिट्यूड्स में इसकी मात्रा पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक कहां पर है आपका, ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट वाला पार्ट। तो दीज आर सम रॉक्स यू मस्ट नो अबाउट दिस। और यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से आ सकते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं, और इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ,
और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।